आज मुझे खुशी होती है, खुशी होती है कि सर जब हम लोगों के ऊपर आज तक ये आरोप लगते रहे कि भैया ये तो जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, और आज हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा आपने उसको पूरा कर दिया। आज पहली बार विपक्ष के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि हम लोगों ने चुनाव के वक्त जो जो वादे किए थे, जो जो बातें की थी, उसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। सर मुझे दुख होता था सर जब मैं अपनी उम्र के युवाओं को देखता था, मैं खुद जम्मू कश्मीर गया हूं सर, मैं लद्दाख गया हूं, मेरे युवा साथी जो लद्दाख से आते उन्होंने आज जिन बातों को कहा, खुद मैंने उनको वहां पर रहकर महसूस किया सर। जब मैं जाता था मुझे दुख होता था जब मैं अपनी उम्र के लड़कों के हाथ में पत्थर देखता था, जब मैं उनको स्टोन पेल्टर्स कहकर जब उनको अपमानित किया जाता था, उस वक्त मेरे मन में यह विषय उठते थे कि क्यों क्यों आज के इस युवा के हाथ में किताबों की जगह पत्थर पकड़ने की जरूरत पड़ी। पर सर मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा बल्कि हमारे वहां के युवा जो कभी ना कभी भ्रमित होते हैं उनके लिए जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तो वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करेंगे। इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर जो विकास की राह से भटका हुआ था, इतनी खूबसूरत जगह, इतने खूबसूरत वहां के लोग, पर आज भी जब पर्यटक वहां पर जाते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर का भाव होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से जम्मू कश्मीर जो इतने लंबे समय से विकास की राह से अछूता रहा है वो विकास की राह से जुड़ेगा। लद्दाख जो इतनी खूबसूरत जगह है उसको एक अपनी अलग पहचान मिली है, अलग यूटी बनने के बाद लद्दाख की भी जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में हमारी सरकार के इस फैसले में उसमें एक बड़ा हाथ होगा। और सर आतंकवाद जिससे लंबे समय से वो क्षेत्र ग्रसित रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी जैसे सक्षम व्यक्ति जब उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग अंकुश लगाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। अंत में सर मैं पुनः इस फैसले पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं और मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को ढेर सारी बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।